तो कैसे हो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज की वीडियो है कैंडल साइकोलॉजी। जी इसका मतलब कि हमें कैसे पता चलेगा जी नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनेगी। यानी कि ये मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूं कि यार जैसे कि ये रेड बनी है, अब हमें कैसा पता चलेगा जी इस रेड के बाद ये ग्रीन बननी थी या रेड बननी थी। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा जी हमने कैंडल की मूवमेंट को देख के एंट्री किस तरह लेनी है। आज की वीडियो को देखने के बाद, जब इस वीडियो को पूरा भगाने के बगैर आप एंड तक देखोगे ना, तो मैं लिख के देता हूं जी, आज आप खुद बोलोगे कि भाई हमें कुछ सीखने को मिला। ठीक है, आज एक एक चीज समझाऊंगा। ठीक है, और आज की वीडियो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, देखो मैं वो यूट्यूबर नहीं हूं कि जो तुम लोगों को कहता हूं कि अपना प्रॉफिट दिखा लिया, दिखा के वीडियो बना ली, व्यू ले लिया। नहीं नहीं नहीं, मैं वो यूट्यूबर नहीं हूं। देखो यूट्यूब पे लोग उसे सब्सक्राइब करते हैं जो प्रॉफिट दिखाते हैं, समझाते कुछ नहीं है, बस प्रॉफिट दिखा दिया, चल भाई उसे सब्सक्राइब बेल क्लिक कर दिया। जो बंदा समझा रहा है उसे सब्सक्राइब बेल क्लिक, लाइक भी नहीं हमने करना। तो ये आप लोगों की गलती होती है, तो ऐसा मत क्या करें। तो देखो यार, ये देखें, ये मार्केट है हमारे सामने। अब एक नया बंदा आता है, मार्केट में बैठता है, अब वो सोचता है कि ये एक बंदा है, उसे कैसे पता चलता है जी ये स्पॉट है, सॉरी ये रजिस्टर्न है, ये स्पॉट है रजिस्टर्न। ठीक है, अब उस बंदे को बीच में कैसा पता चलेगा यार इस ग्रीन कैंडल के बाद रेड बनेगी, रेड के बाद ग्रीन बनेगी, ग्रीन के बाद रेड बनेगी या ग्रीन, उन्हें कैसे पता चलता है। देखें सिंपल सा नॉलेज है, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी एक ट्रेड लगी हुई है, ठीक है, जिसका टाइम अभी एक मिनट है। ठीक है, अब देखें जी रीजन मैं आपको बताता हूं। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सीखना पड़ेगा कि पहली चीज कि ट्रेडिंग और कैंडल इनमें फर्क क्या है। देखो ट्रेडिंग वो होती है जो आप तुक्के, ये देखो एक नया बिगनर है वो मार्केट में आया और देखो कोई भी कैंडल बनी उसने अप या डाउन के लिए एंट्री ले ली, उसके लिए ये ट्रेडिंग है, लेकिन वो ट्रेडिंग नहीं, वो तुक्का है। ठीक है, अब उससे ये नहीं पता कि ये मार्केट की कैंडल का मूवमेंट क्या है, रजिस्टर क्या है, स्पोर्ट क्या है। अभी पहली बात आपने सीखनी है जी, जो प्रेशर होता है मार्केट बाय और सेलर के प्रेशर के हिसाब से चलती है। तो फाइनली ये हमारी प्रॉफिट मेरे ख्याल में होने वाली है। ठीक है, ये हमें पहला प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए जी हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना कि पहला प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है जी। सबसे पहले हमने क्या सीखना है जी, बाय और सेलर का प्रेशर, क्योंकि आपको भी पता है और हमें भी पता है और बिगनर को भी शायद इस बात का पता है कि मार्केट की जो कैंडल्स वगैरह होती हैं या मार्केट होती है वो बाय और सेलर के प्रेशर के हिसाब से चलती है। ठीक है, तो ये हमें प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, अब देखें जी, यानी कि बायर अगर बायर ज्यादा है तो कैंडल अप के लिए जाएगी, अगर सेलर ज्यादा है तो कैंडल डाउन के लिए आएगी, मार्केट अप की और डाउन के लिए जाएगी। ये क्लियर है जी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी, हमने ये तो हो गया ना मार्केट बाय और सेलर के हिसाब से चलती है। अब बात कर लेते हैं जी रजिस्टर और स्पॉट को किस तरह मार्क करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको रजिस्टर और स्पॉट बनाने का तरीका बता देता हूँ जी। हम अंडरलाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, एक होगी, अब दूसरी भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मैं पहले आपको बता दूंगी यार ये मार्क किस तरह करना है। ठीक है जी, ये हो गया जी। अब यहाँ पे मैं इसका सबसे पहले आपको स्पॉट मार्क करके दिखा देता हूँ, मुझे लग रहा है कि ये गलत सिलेक्ट हो गई है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी हम पहले रजिस्टर को मार्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अनलिमिटेड, यहाँ पे अनलिमिटेड कैंडल टच हो रही है, वो हमारा रजिस्टेंस होगा। ठीक है, जैसे ये हो गया, अब हमारी स्पॉट की बात आ जाती है जी, जहाँ पे डाउन पे अनलिमिटेड कैंडल टच हो रही है वो हमारा स्पॉट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा स्पॉट आ गया। ठीक है, आपको क्लियर नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं मार्क करके दिखा देता हूँ, ये हमारा रजिस्टेंस हो गया, ये हमारा स्पॉट हो गया। ठीक है, अब देखें जी यहाँ पे, अब यहाँ पे एक और एंट्री लेके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करूंगा 2 मिनट का। ठीक है, और यहाँ पे हम डाउन के लिए एंट्री लेंगे। ठीक है, वेट करके, ठीक है, थोड़ा सा और वेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको अभी कैंडल की साइकोलॉजी बताने लगा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा वेट करना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा और वेट करेंगे मार्केट में। ठीक है, थोड़ा और 25 सेकंड पे हम डाउन के लिए एंट्री लेना चाहेंगे जरूर। ठीक है, और ये हमने ले ली। ठीक है, ये मैंने डाउन के लिए एंट्री ले लिया। ठीक है, अब देखें मैं कैंडल की साइकोलॉजी बताता हूँ, ये मैंने जूम करके आपको दिखा रहा हूं। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये कैंडल बनी है। ठीक है, इस कैंडल को गौर करें, ये कैंडल बनी है। ठीक है, ये कैंडल हमारी बनी है और इस कैंडल के अंदर सबसे पहले कौन आए, बायर, कैंडल को अप ले गए। ठीक है, पहले बायर आए, उसके बाद इसके अंदर सेलर आते हैं जी, सेलर आते हैं और जो कैंडल को डाउन लाते हैं। एक मिसाल दे रहा हूं,
अगर हमने नेक्स्ट कैंडल का मूव देखना है कि नेक्स्ट कैंडल किस तरह मूव करेगी, तो हमने पीछे वाली कैंडल की तरफ आ जाना। ये जो कैंडल आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वाली कैंडल, अब देखिए इसके अंदर पहले तो आया सेलिंग आई है, डाउन लेके गई है, उसके बाद बायर यहाँ पे क्लोजिंग होगी जी। नेक्स्ट कैंडल अभी हमें उम्मीद है कि अप जा सकती है, पूरा यकीन नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर किसका है, बायर का है, ठीक है। बट जब यहाँ पे ये कैंडल आती है ना, तो ये बताती है जी भाई यहाँ पे ना जो बायर है ना, जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, वो मार्केट की उनकी पावर जो है ना बायर की, वो बहुत कम हो रही है, ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल बनती है जी डाउन के लिए, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, बाद में फिर डाउन आकर रेड में क्लोज हो जाती है, और ये बता रही है कि भाई बायर जो है ना इस कैंडल को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कमजोर हो गए, वो उनका प्रेशर ही कम हो गया, जिसकी वजह से फिर नेक्स्ट कैंडल बायर की आती है और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहीं पर क्लोजिंग दे देती है, 10-20% पे क्लोजिंग दे देती है, और उसके बाद बायर खत्म हो रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे कौन आते हैं, सॉरी बायर जो है ना, बायर खत्म हो जाते हैं, उसके बाद कौन आते हैं, सेलर, जो कैंडल को डाउन ले जाते हैं, और वजह से आपके भाई ने यहां पे डाउन के लिए 50 की एंट्री ली है, और ये भी हमारी शानदार प्रॉफिट है। देखो कितने सिंपल सी मैंने बात से आपको समझा दिया, कि इसी तरह देखिए यहां पे एक और ब्रीक तरीके से समझाता हूं। सबसे पहले बायर आए, ठीक है, मार्केट को यहां तक ले गए, ठीक है, उसके बाद जी बायर ने बड़ी कोशिश की है यहाँ पे फिर पंप करने की, लेकिन जिन लोगों, ये हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली थी उनका यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट कैंडल में बायर आने की कोशिश कर रहे थे बट रेड कैंडल क्लोज हुई, फिर बायर आने की कोशिश की, कैंडल ऊपर लेके जाने की कोशिश, लेकिन उसके बाद फिर वो सेलर आए, कैंडल को डाउन ले आए, उसके बाद फिर बायर ने कोशिश की यार हम पंप करें ऊपर के लिए, लेकिन सेलिंग का प्रेशर आ चुका था, और यहाँ पे बायर ने बड़ी कोशिश की, ये मुश्किल से ये कैंडल बनाई, उसके बाद जो सेलर है वो बहुत हैवी हो गए थे, और आपके भाई एंट्री ली, और ये डाउन पे आकर यहां पे प्रॉफिट होगी। पहली बात तो ये होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जी, हर बंदा कहता है जी हमें हर एक कैंडल का पता होना चाहिए। देखो स्पॉट और रेजिस्टेंस की बात करें जी, हमने ये स्पॉट मार्क किया, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस, इसको हमने किस तरह काम करना है, ये तो हमने दो मार्क कर लिया, अब इसको हमने काम किस तरह करना है, इससे काम उठाना किस तरह है। देखिए ये स्पॉट और रेजिस्टेंस हर दफा वर्क नहीं करता, ठीक है, खास करके ओटीसी जो मार्केट है उसमें अगर ज्यादातर आप स्पॉट रेजिस्टेंस पे काम करोगे तो आपको लॉस होने का खतरा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमें प्रॉफिट देता है वो बायर और सेलर का प्रेशर देता है। जैसे कि दो लोग आपस में फाइट कर रहे हैं, एक और ये दोनों के बीच में आपस की फाइट है, ठीक है, मार्केट में ये कहता है, एक कहता है ऊपर जाएगा, दूसरा कहता है डाउन आएगा, इन दोनों की फाइट हो रही है, कैंडल अप डाउन, लेकिन फैसला नहीं हो रहा। जो तीसरा बंदा यानी कि हम बैठे हैं, हम इन दोनों की लड़ाई का फायदा लेंगे, क्योंकि इन दोनों की इनकी लड़ाई की वजह से कैंडल बराबर रहेगी, ठीक है, और जब ये दोनों एक कैंडल में लॉस कर जाएगा, एक प्रॉफिट कर जाएगा, और ये दोनों ही मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। नेक्स्ट के लिए ये कैंडल हमें बताएगी कि यार ये दोनों डाउन पे फाइट कर रहे थे या अप पे। अगर डाउन पे फाइट कर रहे थे यानी कि अप के लिए अब कुर्सी खाली है, हम एंट्री ले सकते हैं एक दो मिनट में, और जो हमें प्रॉफिट देगी, ठीक है, सिंपल सा रीजन है। बाकी इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी ये जो मेरी वीडियो नहीं देख रहे इस वीडियो के टाइटल पे क्लिक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी, वहां पे क्यूटेक्स ज्वाइन लिंक लिखा होगा, लिंक पे क्लिक करके आप जो है भाई साहब अकाउंट बना ले, नीचे व्हाट्सएप का नंबर, आप हमसे डिपॉजिट विड्रॉ करवा सकते हैं, ठीक है। और फाइनली हमारी यहाँ पे दो ट्रेडें थी जो इस वक्त बिल्कुल प्रॉफिट में जा रही हैं, अब लीडर बोर्ड आ जाते हैं जी, लीडर बोर्ड के हम यहाँ पे प्रॉफिट 87 के प्रॉफिट में, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जी हमने स्पॉट रेजिस्टेंस को वर्क किस तरह करना है। दोस्तों देखो अब देखिए जी, ये हमारे रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन कैंडल की ओपनिंग, यहाँ पे जूम करके देखो इस कैंडल की ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, इसके बिल्कुल ओपन में, ठीक है। ये कैंडल कहाँ से ओपन होती है जी, डाउन से ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है, ठीक है। और अगर दोस्तों ये कैंडल इस हमारे रेजिस्टेंस से डाउन के लिए ओपनिंग होती तो फिर इसने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करना था, फिर डाउन के लिए कैंडल लेके आ सकती थी, बट यहाँ से इसने ओपनिंग इसके ऊपर दी है रेजिस्टेंस से, तो यार की बात है यार कैंडल अप जाएगी मार्केट इसको लेके, ठीक है, ये सिंपल सा रीज़न है, ठीक है। और दोस्तों जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं और डिटेल से आपको समझाऊँगा, ठीक है, और आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब, बेल क्लिक कर लें, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे, ठीक है। और मैं हर
दफ़ा आपको प्रॉफिट नहीं दिखाने आता, मैं हर दफ़ा कोशिश करता हूँ कि यार आप लोग जितने से जितना हो सके आप उतना सीख लो, यही मेरा मिशन है कि आप भी प्रॉफिटेबल बनो, ठीक है। मैं प्रॉफिट दिखा के व्यू लेने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं हर एक वीडियो में अपना एक्सपीरियंस फुल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बस आप एक लाइक कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बयान करना। बाकी यही वीडियो थी मेरे भाइयों, आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।